जी जतिन है जतिन जी जो मेरा ब्याह होया ब्याह हो तो बाद उसी रात को मैं कह लग गई मैं रात रहा जी दो रात मैं वो बिहार का पता लग गया तो मैनू जो डैडी कुमार देन जाता सी मैं कहती तुम दुकान में चलो फिर दुकान के बिच हों मैनू नहीं पता किमें उन्हें समान कटिया किमें लैके दे गया हम जी जतिन है जी जतिन जी जो मेरा ब्याह होया ब्याह हो तो बाद उसी रात को मैं कह लग गई मैं 10,000 रुपये का फोन लैके दे तो फिर मैं वो गल गोरी नहीं हैगी मैं दिमाग चो निकालती फिर वो दूजे दिन मैं कहती मे मैं फोन का OTP दस हाँ जी हाँ जी मैं फिर उन्होंने बहाना लाया मैं क्या मेरे भरा पता वा मैनू नहीं पता है मेरे भरा ने मैनू फोन लैके ये दिता वा फिर उन्हें बाद चो फिर मेरे फिर मैं कहती मैं 3,000 रुपये गड्डी का किराया किराया चाहिए मैं क्या भाई मेरे को है नहीं गए हजे कोई भी पैसा मैं क्या डैडी आऊगा डैडी तो मैं तेन मिल जाएंगे मेरे कहती पापा पापा के अंडर तुम वो करते हो काम तुम अपने से क्या बनाया मैं उसको बोला जो हमसे बड़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका वो बनता है सर जी मैं दो रात रहा जी दो रात मैं वो बिहार का पता लग गया तो मैनू जो डैडी कुमार देन जाता सी मैं कहती तुम दुकान में चलो फिर दुकान के बिच हों मैं नहीं पता किमें उन्हें समान कटिया किमें लैके दे गया जी आह मुंदी झांजर तो आह बिछवे तो आह बालियाँ तो उन्हें बाद चो 2 लख रुपया वो सीगा तो 2 लख रुपया भी नाल लै गई जी असी दुकान वास्ते ही वो रखा सीगा विचोलन आ जी मेरी गल गल पहले ब्याह तो हुई सी कहते उनका तलाक होया होया वा ते ऐ ते ऐ उछोलन दी आ ते मैं थोड़ा वो दिनी करवा रिश्ता ते उन्दे बाद च मैनू फोटो विचोलन ने दिखाई मैं कहा चलो सर ठीक आ ते फिर कुड़ी नू दिखाई कहिंदी ठीक आ फिर उन्दे बाद च साडा जी हो गया ब्याह ते ब्याह दे बाद च जी अपनी भैन दे घर जाके कहिंदी मुंडा मैडिकल नशे करदा वा ते उन्दे बाद च ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੀ ਵਿਚੋਲਣਾ ਮੇਰੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਫੇਸ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਮਚੜ ਥਾਣੇ ਚ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ जी पुलिस वाले तो जी हजे कुछ नहीं कहते हैं कि जेड़ा जी सानू इंसाफ ही मिलना चाहिए जी नाम मेरा नाम चरणजीत सिंह है वैसे तो मेरे लड़के का नाम है जतन अछवाड़े छाया थाने साहब के दरखास्त मैं दर्ज करवाई है दरखास्त भी बहुत अक के दर्ज करवाई है जो मेरे जसविंदर कौर मैडम ने ना गेड़े लवा लवा के बस कराती जो जिंदी भी कख नहीं कहती मैं लिया के दिनी हाँ मंगा के दिनी हाँ मैं क्या मैडम मेरा तो नुकसान होया 40,000 मैं थोड़ा दी बैठा गहना गट्टा मैं गवाई बैठा घरों पैसा मैं गवाई मैंने तो सरकार तो यही गल मैं जेडे भी अफसर को जाऊगी ना मेरी दरखास्त मेरा पूरा सच्चा कोई झूठ नहीं मेरे ना इंसाफ किया जाए जी मैं इंसाफ दिता जाए बस साढ़े को मरण तो सिवा हो इस वे कुछ नहीं है बिल्कुल साढ़े साह सुके पे ने सा 2 लख भी करते गए साढ़ा गहना गट्टा भी करते गया चलते चलते गलबात मेरी ना विचोलना हो गई सी जी रिश्ते बारे जी जसविंदर कौर है चमकौर की रहने वाली हुई आ फिर साढ़े कनैक्ट फोन से होने लग गए फोन से कनैक्ट होंगे 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 इन्हें कहा भी मेरे को कुड़ी सोलन दी है मैं क्या भाई ठीक आ जिम्मेवारी भी मैं थोड़ी होनी है सोलन कित ने नहीं है मैं जाना भी सौखा नहीं है सारिया गल् हुई जी ये कुड़ी कहती गरीब घर तो आ रस के वस के रहूगी कुड़ी का एक मैं थोड़ा दस दिन पहला गल भी तलाक होया हो मैं क्या जो तुम जिम्मेवारी लेंगे हो ये फिर मैं तो कोई परहेज है नहीं गा फिर मैं अपने लड़के को पूछा जो तुम्हें क्या हाँ पुत्रा आ गलबात हैगी कहना कोई गल नहीं ठीक आ पर जिम्मेवारी होवे आंटी की मैं क्या जिम्मेवारी गल हो गई है सानू एक दो दिन बुलाया फिर एक दिन नाल कहते मुंडे को लेके आ मुंडे भी लैके जी मैं मुंडे भी चाह पानी पीते हुए गलबात भी हुई आ मुंडा ठीक आ नहीं कुड़ी नहीं कहती ਵਿਚੋਲਣ ਕਹਿੰਦੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆ ਖਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ
फिर भी इन्हें मैंने दोबारा जिम्मेवारी कहनी मेरी क्या विचोलने ने कहा। असं जी उदन जदों दो तरीक की गल आए एक तरीक नूं असीं गए हां इहदे कोले दो तरीक नूं कहिंदे जी कुड़ी आ रही आ मैं कोई गल नहीं आण लो जो अपनी गलबात होएगी तुसीं कहा भी एक दा तलाक होया वह भी ठीक आ मैं क्या दूसरी गलबात घरों गरीब आ मैं कहा वह भी ठीक आ कुड़ी पहाड़ां दी आ मैं कहा कोई गल नहीं ठीक आ बस के हस के रहूगी कोई गल नहीं इन्नियां गल्लां होईयां ने जी। जो दो तरीक नूं शाम नूं कुड़ी 5:30 बजे पहुँच गई आ फिर मैनूं फोन आया जी भी इदा करके भी तुसीं आओ एक वारी छोटा लड़का गया मैं गया मेरी पिंडों लड़की गई मेरी सिस्टर गई चार जने असी गए जे इन्हें मैंने कहा होंगे ना भी लड़का भी लेके अपना व्डे वाला तो व्डे वाला भी मैं ले जाना सी गड्डी करके ले जाता मैं कोई लड़के वास्ते नहीं कहा नहीं गा उ भी गल्लां बातें यही हुई बहू सामने बिठा के बहू ने भी गल्लां कीतियां भी मैं ठीक हाँ बहुत वधिया गल्लां कीतियां उस वेले ने हाँ जी पर जो हूँ इन्हें घपला किया ब्याह भी थोड़ा दसदा जी मैं सारिया गल्लां बातें होने तो बाद शाम का टाइम सीगा थोड़ा जिहा हो गया बाजार घूमने चले गए जी बाजार तो असी चमकौर साहब तो सन्याड़ी की दुकान तो चूड़ी भी दवाई है 1400 की होर भी समान दवाया घर मन के चलो भी 3000 रुपये का समान सी बहू दवा दिता 3 तरीक की शादी सी नाले दो तो बाद 3 तरीक 3 तरीक जदों 5-7 बंदे उन्होंने सी 5-7 सी असी चांदी सिंह सनो गुरधाई लाल वासी पुआ तो सू कंप्लेट आई है सर एक भी मेरे लड़का जा तिना जड़ा सीगा विचोलन जसविंदर कौर वासी चमकौर साहब ने ब्याह कराया सी पर लड़की 2 दिन बाद ही चले गई है मुड़ के वापस नहीं आई साडा जो सीगा माड़ा मोटा समान भी नाल ले गई है जिस तरह साढ़े कंप्लेट आई है कंप्लेट की असं पड़ताल कर रहे हैं अगर जे किसी ने भी कोई कानून की उलंघना की तो वो खिलाफ कानून अनुसार बनती कार्रवाई की जाए कह रहे हैं पर पड़ताल तो बाद आऊगा जी पता लगेगा गए या नहीं जो भी जो उन्होंने किया खिलाफ कार्रवाई परचा दर्ज करा जी।